हेलो एवरीवन माय नेम कुलदीप और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे administration, administration, debate, और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट परस्पेक्टिव ये सारे टॉपिक मैं एम लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कस कर रहा हूँ सारी बुक को डिस्कस किया जाएगा और ये इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है शुरुआत करेंगे हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पैरल हेडे 1960 के दौर को कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट का सबसे अच्छा दौर बताते हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात करते हैं क्रॉस कल्चर और क्रॉस नेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जैसे कि पंजाब और हरियाणा का कल्चर जो होगा एडमिनिस्ट्रेशन का वो कंपेयर होगा और इंडिया और यूएसए का एडमिनिस्ट्रेशन का कल्चर कंपेयर होगा निकोलस हेनरी ऑब्जर्व करते हैं कि पब्लिक कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से दो सेंसेस में डिफरेंट है नंबर वन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कल्चरली बाउंड होता है जबकि कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्रॉस कल्चर्स की बात करता है नंबर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस बेस्ड होता है और इसमें रियल वर्ल्ड इंक्लूड होता है जबकि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्डिंग के ऊपर मेन फोकस होता है बात करें अगर सबसे बड़े कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रीब्यूशन की तो वो हमें कैक की तरफ से देखने को मिलता है 1939 में अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेब्लिशमेंट होती है और इसके अंडर 1960 में कंपैरेटिव कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप की एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिलती है जो कि इसकी एक कमेटी की तरह काम करती है फ्रेडरिक्स जो है वो कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर हैं कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पीक पर 1962 के दौर में हमें देखने को मिलता है जब कैग को फोर्ड फाउंडेशन की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी शुरू होती है बात करें अगर कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कॉन्सेप्चुअल अप्रोचेस की तो फेरल हेडी चार अप्रोचेस की बात करते हैं नंबर वन मोडिफाइड ट्रेडिशनल नंबर टू डेवलपमेंट ओरिएंटेड नंबर थ्री जनरल सिस्टम मॉडल बिल्डिंग एंड नंबर फोर मिडल रेंज थ्योरी फॉर्मूलेशन इसके अलावा भी प्रेडिक्स ने जनरल सिस्टम अप्रोच दी है अपने फ्यूज्ड प्रिस्मैटिक डिफ्रेक्टेड टाइपोलॉजी में डिसीजन मेकिंग अप्रोच मार्टिन लंडो ने दी है जहां पर वो डेवलपिंग कंट्रीज की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने की बात करते हैं और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच टालकोट पारसन ने दी है 1970s के दौर में कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिक्लाइन पीरियड शुरू हो जाता है क्योंकि कोर फाउंडेशन की तरफ से इसे फाइनेंशियल सपोर्ट बंद हो जाती है 1973 में कैग अपने आप को डिसबैंड करके इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी में शामिल कर लेता है बात करें अगर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिवाइवल मूवमेंट की तो 1980s में बहुत सारे स्कॉलर्स की तरफ से कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिवाइवल मूवमेंट चलाई जाती है जिसके चीफ एक्सपोनेंट फेरल हेडिंग और चार्ल्स टी गुडसेल्फ होते हैं चार्ल्स टी गुडसेल्फ अपने आर्टिकल द न्यू कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में सुझाव देते हैं कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप सुप्रानेशनल और सबनेशनल लेवल के एनालिसिस के कंपनीज को कंपैरिजनस को कवर करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए बात करें अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंपैरेटिव मॉडल्स की तो फ्रेडिक्स का नाम सबसे बढ़ चढ़कर आता है इनकी किताब एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज जो कि 1964 में आई थी वो सिंगल मोस्ट डोमिनेटेड कंट्रीब्यूशन है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फ्रेडिक्स ही इकोलॉजिकल अप्रोच के भी इन एडमिनिस्ट्रेशन फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट हैं इनकी किताब द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961 बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के डायनामिक्स ऑफ इंट्रेक्शन को एक्सप्लोर करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में अप्रोचेस को अडॉप्ट किया जाए इसकी पहली बारी बात 1955 में डुवाइट वाल्डो ने की थी प्रेडिक्स का मानना है कि हर एक सोसाइटी पांच फंक्शंस को परफॉर्म करती है और वो पांच फंक्शंस पॉलिटिकल, सोशल सिंबॉलिक, इकोनॉमिक एंड कम्युनिकेशनल होते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को बेस मानकर प्रेडिक्स ने कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए दो आइडियल मॉडल्स को का निर्माण किया है नंबर वन एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल नंबर टू फ्यूज प्रिस्मेटिक डिफ्रेक्टेड मॉडल अपने फर्स्ट मॉडल में फ्रेडरिक्स दो तरह की सोसाइटीज की बात करते हैं पहली सोसाइटी जहां पर एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट डोमिनेट करते हैं और दूसरी सोसाइटी जहां पर इंडस्ट्रियल डोमिनेट करते हैं ये 1956 में दिया था और अगले ही साल नाइनटीन में फ्रेडिक्स ने एक इंटरमीडिएट मॉडल दिया जिसको उन्होंने ट्रांजिटिया नाम दिया जिसमें एग्रिया एग्रीटिया और इंडस्ट्रिया दोनों ही सोसाइटीज के फीचर देखने को मिलते हैं कंपेरिटिव कंपेरेटिव कॉन्टेक्स्ट में रिक्स का दूसरा आइडियल मॉडल फ्यूज मॉडल है जहां पर वो अंडर डेवलप डेवलपिंग और डेवलप की बात करते हैं जहाँ पर सोसाइटी को अनडिफ्रेंशियटेड देखा जाता है एंड देन देनैटिक जहां पर सोसाइटी सेमी डिफ्रेंशिएटेड होती है एंड देन सोसाइटी की डेवलप स्टेट जो कि डिफ्रेंशिएटेड होती है तो ये अंडर डेवलप ये डिवेल्पिंग और ये डेवलप्ड है नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इस टर्म को यूएल गोस्वामी ने अपने आर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में यूज किया था मगर फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जॉर्ज गैंड को बोला जाता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं की किताब है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी तो उसके देखिए बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले 1950s और 60s में बहुत सारे नए देश बने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में डेवलपिंग कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए यूएन ने बहुत सारी स्कीम्स को स्पॉन्सर किया अमेरिका ने बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट किया और 1960 में कैक की स्टेब्लिशमेंट बात करें अगर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोचेस की तो दो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है री अप्रोचेस अर्ली अप्रोचेस में हम इकोनॉमिक अप्रोचेस डिफ्यूजन अप्रोचेस साइकोलॉजिकल अप्रोचेस और डिपेंडेंसी थियोरी को रखते हैं जबकि कंटेम्प्रेरी अप्रोचेज में हम ब्लू से लर्निंग प्रोसेस को शामिल करते हैं और From production -centered to people -centered process को शामिल करते हैं। इसके बाद public and private administration, तो देखिए गवर्नमेंट के दायरे में काम करता है जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नॉन गवर्नमेंटल काम करता है एक बिजनेस बिजनेस की तरह एप्पल बाय ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तीन

इंटरवेंशन का सबसे बड़ा दौर था डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि वेस्ट यूरोप यूएसए वहां पर कीनेसियन थ्योरी को इंप्लीमेंट करना चाहते थे कीनेसियन थ्योरी टोटल स्पेंडिंग इकोनॉमी में और इसके इफेक्ट आउटपुट एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन पर की बात करती है सिंपल वर्ड्स में कहें तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकती है इसके बाद आती है मार्केट फ्रेंडली अप्रोच एलपीजी रिफॉर्म्स यानी कि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स गवर्नमेंट के मिनिमम रोल की बात करते हैं और उसके कोरिस्पोंडिंग मार्केट के लार्जर रोल को एक्सेप्ट करते हैं किसी देश की सोसाइटी और इकॉनमी में 1991 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने मार्केट फ्रेंडली का मीनिंग एक्सप्लेन किया था मूविंग फर्दर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो 1968 में ड्वाइट वाल्डो की निगरानी में मिनोव ग्रुप कॉन्फ्रेंस होती है जिसके मेन रीजन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को राइस करना था नंबर वन 1967 में यूएसए की हनी रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन फॉर पब्लिक सर्विस फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस जो कि 1967 में यूएसए में हुई और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थियरी और प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करती है

1988 में और तीसरी 2008 में हुई इसके दो मेजर रीजंस थे नंबर यूएसए का टर्बुलेंस टाइम पीरियड इन जैसे कि अमेरिका की वियतनाम वॉर में इन्वॉल्वमेंट ब्लैक अमेरिकन मूवमेंट अर्बन राइट और पॉलिटिकल वायलेंस सेकंड 1960s में हनी रिपोर्ट और फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यंग जनरेशन के इन्फ्लुएंस में आ गई 1968 में 33 यंग स्कॉलर्स ने वाल्डो की लीडरशिप के अंडर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को राइज किया बात करें अगर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के गोल्स की तो वो फ्रेंक मैरिनी ने, ने अपनी बुक टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिया है जो कि रेलिवेंस वैल्यूज सोशल इक्विटी चेंज और क्लाइंट फोकस है मूविंग फर्दर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव इसकी शुरुआत 1990s में हुई इसके चीफ एक्सपोनेंट्स डेविड ओसबोर्न और टेड काइब्लर हैं इन्होंने अपनी बुक रीइनवेंटिंग गवर्नमेंट 1992 में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को वेलकम किया न्यू न्यू पब्लिक मैनेजमेंट टर्म को क्रिस्टोफर हुड ने क्वेंट किया था उन्होंने इस टर्म को अपने आर्टिकल अ पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन 1991 में पहली बार इस्तेमाल किया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के तीन एम्स पोलिट ने बताए हैं जो कि इकोनॉमी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है इनको हम थ्री ईज भी बोल सकते हैं बात करें अगर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के थेटिकल बेसिस की तो दो बेसिस हमें इसके देखने को मिलते हैं नंबर वन इज पब्लिक चॉइस अप्रोच एंड नंबर टू इज न्यू टेलरिज्म

जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रेडिशनल मॉडल को ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं एंड फाइनली इस चैप्टर की मेजर बुक्स जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम में अक्सर देखने को मिलती हैं वुड्रो विल्सन जो कि 28th प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के इनकी तीन बुक्स फर्स्ट इज द स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 कांग्रेसनल गवर्नमेंट 1885 द स्टेट 1889 W. F. Willoughby Key, Principle of Public Administration 1927, F. W. Taylor Key, A Peace Rate System 1895, Shop Management 1903, The Art of Cutting Metal 1906, and Principle of Scientific Management 1911, Max Weber Key, The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, The Theory of Social and Economic Organization, Gulick or Urwick Key, Papers on the Science of Administration, 1937. Urwick Key, Management of Tomorrow, 1933. M.P. Follett Key, The New State and Creative Experience. C.I. Bernard Key, The Function of the Executive, 1938. And Organizations and Management, 1948. R.A. Dahl Key, Science of Public Administration, Three Problems, 1947. Time of Turbulence and Times of Revolution. So, this is all about this lecture. Thank you very much.